नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार विराट कोहली के किस फैसले पर रविंद्र जडेजा नाखुश से नजर आए और वहीं विराट कोहली ने उनके इस सवाल का क्या जवाब दिया है, जानेंगे इसी के बारे में कि आखिरकार क्या हुआ था। तो ऐसे में आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप लोग भी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 601 रनों का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पारी को घोषित कर दिया। तो वहीं जो मैच का दूसरा दिन था वो कप्तान कोहली के नाम रहा और वहीं विराट ने अपने टेस्ट करियर का 7वां दोहरा शतक जड़ा उस दौरान। तो विराट कोहली ने इस टेस्ट की पहली पारी में नाबाद 254 रनों की पारी खेली। तो वहीं विराट कोहली के अलावा रविंद्र जडेजा ने भी 91 रनों की पारी खेली, लेकिन वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए। दरअसल विराट कोहली ने जडेजा के साथ 5वें विकेट के लिए 225 रनों की साझेदारी की थी। तो ऐसे में इस मैच में विराट कोहली के पास 13 शतक लगाने का एक अच्छा मौका था, लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने अपने इस मौके को गंवा दिया और वो 13 शतक लगाने से चूक गए। दरअसल जडेजा के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली ने तुरंत भारतीय पारी को घोषित कर दिया और 254 के स्कोर पर विराट कोहली नाबाद पवेलियन लौट गए। तो विराट के पास एक बड़ा मौका था कि वो अपने टेस्ट करियर का पहला 13 शतक जड़ने का, लेकिन विराट कोहली ने इस कीर्तिमान के आगे अपनी टीम को चुनना ज्यादा बेहतर समझा और पारी को घोषित कर दिया। दरअसल विराट कोहली नहीं चाहते थे कि उनके 13 शतक की वजह से मैच का समय बर्बाद हो और विराट मैच के आखिरी सत्र में दक्षिण अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी करवाकर जल्द से जल्द विकेट हासिल करने की रणनीति बना रहे थे। तो इस वजह से विराट कोहली ने अपने 13 शतक की परवाह नहीं की और पारी को घोषित कर दिया। तो विराट कोहली के इस फैसले से रविंद्र जडेजा काफी हैरान और नाखुश नजर आए। पारी घोषित करने के बाद विराट और जडेजा ड्रेसिंग रूम की तरफ जब जा रहे थे तब जडेजा ने विराट कोहली से इशारों में 13 शतक पूरा ना करने की वजह पूछी, जिसके जवाब में विराट कोहली ने जडेजा की तरफ मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाकी आप लोग यहां पे तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों विराट कोहली के बारे में आपका क्या कहना है? क्या विराट कोहली ने सही फैसला लिया? क्योंकि भारतीय टीम ने तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होते होते तक 5 विकेट साउथ अफ्रीका के चटका दिए हैं और कल के ही दिन उन्होंने 3 विकेट चटका दिए थे। तो ऐसे में आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके विराट कोहली के बारे में जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।